हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड मानसून में स्पेशली और बढ़ जाते हैं। ये सबके साथ हो रही है ना, मेरे साथ भी हो रहा था बट अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है क्योंकि कुछ रेमेडी के थ्रू मेरे हेयर फॉल मैंने कंट्रोल कर लिया, फ्रीज कंट्रोल कर लिया, हेयर डैमेज कंट्रोल कर लिया एंड जो ब्रेकेज का प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल हो चुका है। एंड इसी कारण आज के टॉपिक होने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा हेयर रेमेडी जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, वो ज़रूर आप एक बार ट्राई करना एंड बिलीव मी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको भी। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पॉजिटिविटी। आपके अंदर से जितने सारे नेगेटिविटी है उसको भगाओ कि मेरा इतना हेयर फॉल हो रही है, मैं तो 2 दिन बाद टकला हो जाऊंगी, एक भी हेयर नहीं बचेगा, क्या होगा मेरा। ये सारे जो नेगेटिविटी है ना इसको हटाओ पहले, उसके बाद कोई रेमेडी स्टार्ट करो या फिर जो भी करना है करो, बट पहले नेगेटिविटी को मन से हटाओ। हेयर फॉल तो हो रही है, अगर मन में और नेगेटिविटी फैल चुका है तो ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, ऑलवेज मुस्कुराते रहना, देखना सब कुछ अच्छा होगा। एंड जो भी हो रही है ना, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो आज के रेमेडी के बारे में बताती हूँ। मानसून सीजन में हमें हेयर की, स्कैल्प की, स्किन की अच्छे से केयर करना होती है। स्कैल्प अगर गंदा हो गया ना तो हेयर ग्रो नहीं, हेयर फॉल ज़्यादा होंगे। अगर स्कैल्प हमारे क्लीन रहेगा तो इरिटेशन नहीं होगा, इचीनेस नहीं होगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगा एंड हेयर ग्रो फास्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए स्कैल्प को हमें क्लीन रखना है एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसी टॉपिक में ना कुछ दिन पहले मैं एक हेयर ऑयल भी बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर करी थी। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, वो लगाने से सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा एंड स्पेशली मानसून सीजन में आपके स्कैल्प को एकदम क्लीन कर देगा। बट जो लोग हेयर ऑयल नहीं लगाते हो, पिंपल हो जाते हैं, इरिटेशन होते हैं या फिर एलर्जी होते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बट अगर आपको ऑयल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हो। इसको बनाना बहुत इजी है, लगाना इजी है एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सुप्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं स्पेशली ब्यूटी, हेयर केयर, स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस एंड वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे कभी भी किसी वक्त भी तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। तो चलो वीडियो पे भी बढ़ते हैं। आज मैं बताऊंगी एक हेयर टॉनिक के बारे में जो आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा, हेयर फॉल को रुकेगा, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ में हेयर ब्रेकेज के प्रॉब्लम हो तो वो उसको भी फिक्स करेगा। तो ये टॉनिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप पानी। मैंने तो पहले 1 कप पानी ली थी बट बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया, उसको हाफ क्वांटिटी में बनानी है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लेना। अब इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ सबसे पहला जो इन्ग्रेडियंट दैट इज़ नीम लीव। हमें हमारे स्कैल्प को क्लीन रखनी है तो नीम लीव्स एंटीसेप्टिक है, इसमें एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, ये हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं, सूथ करते हैं, साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, इरिटेशन हो गया, इचीनेस हो गया, डैंड्रफ हो गया, सबको भगाते हैं। तो इसी कारण मैंने नीम लीव्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी एंड इसके साथ मैं थोड़ा गुआवा लीव्स ले रही हूँ। गुआवा लीव्स जो है ये मैं स्पेशली हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लिया मैंने। नीम लीव्स भी हेयर फॉल को कंट्रोल करती है बट गुआवा लीव्स जो है वो बहुत ही अच्छा होता है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ ना डालो, ओनली पानी में थोड़ा गुआवा लीव्स डाल दो, उसको बॉयल करो एंड वही जो टॉनिक बन गया वो अगर आप स्कैल्प पे लगाओ एंड पीना स्टार्ट करोगे ना तो आपके हेयर फॉल जस्ट विद इन 2 to 3 days बंद हो जाएगा। आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो आप लगा के देखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा नीम लीव्स ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे स्कैल्प जो है वो क्लीन रहे, फंगल इन्फेक्शन ना हो हमारे स्कैल्प पे, इचीनेस ना हो एंड साथ में जूहे की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगा एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। गुआवा लीव्स जो है हमारे हेयर फॉल को बिल्कुल स्टॉप कर देगा, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड हेयर ब्रेकेज को भी स्टॉप कर देगा। तो गुआवा लिप्स में मैंने डाल दिया, सारे को ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया मैंने। अगर आप नहीं चाहते हो गुआवा लिप्स का कट करना, ऐसे पूरे डाल सकते हो बट मैंने थोड़ा कट कर लिया एंड नीम लिप्स को एज यूजुअल मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इसको बॉयल होने देना है, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon कलौंजी। कलौंजी हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग का जो प्रोसेस है उसको डिले करता है। साथ में
मेथी ऐड कर सकते हो। अगर आपके हेयर बहुत ड्राई है, आपके स्कैल्प ड्राई, तो आप मेथी ज़रूर ऐड करना। सब कुछ इसमें डाल दिया, अब इसको पकानी है फॉर 10 मिनट्स, ढक के पकाना ऑफ कोर्स। एंड जो फ्लेम है वो तो पहले हाई फ्लेम में रख देना, जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो लो फ्लेम कर देना एंड इसको ढक के रखना। बीच बीच में इसको स्टार करते रहना, देखना सारी पत्तियों का जो खूबसूरत बेनिफिट्स है वो पानी के अंदर चला जाएगा एंड वो पानी मतलब अमृत बन जाएगा। बस सब कुछ एक साथ बॉयल हो गया, जब ये देखना 10 मिनट्स के बाद पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया, साथ में पानी जो है आधा क्वांटिटी में आ गया, तो जस्ट गैस को बंद करना है, ढक के रख देना है। जब ठंडा हो जाएगा उसको छान लेना है। बस हमारे हेयर टॉनिक रेडी है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो खुशबू के लिए, बट मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करने वाली हूँ, जस्ट एज इट इज इसको मैं यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, इसे शावर लेने से पहले 1 घंटा पहले या फिर 30 मिनट्स पहले लगा लो इसको। हेयर स्ट्रैंड पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली स्कैल्प पे लगाओ। वो पेनिट्रेट होने के लिए थोड़े टाइम दो उसको, पेनिट्रेट हो जाएगा तभी आपके हेयर फॉलिकल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा एंड आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो हेयर को, अदरवाइज आप शैम्पू कर सकते हो। मैं शैम्पू कर लेती हूँ एवरीडे बेसिस पे, अगर आपको मन करे तो लगा सकते हो। ये आपके हेयर को बहुत ही स्ट्रांग बना देगा, स्कैल्प को क्लीन रखेगा, फॉलिकल को जो है रिवाइटलाइज कर देगा टू ग्रो हेयर। मैं ऑलवेज शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ एंड अभी फिलहाल तो इस टॉनिक में मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, आधा क्वांटिटी टॉनिक का एंड आधा नॉर्मल वाटर। इसके अंदर मैं अपना शैम्पू मिक्स कर रही हूँ। अब जो शैम्पू यूज़ करते हो जितने क्वांटिटी आपका लगता है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड इसी से हेड वॉश करना। हेड वॉश करते वक्त देखना कितनी कम हेयर फॉल होती है, फर्स्ट डे ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर ये मैजिक देखना चाहते हो तो आप एक बार ट्राई जरूर करना एंड क्या मैजिक दिखा वो कमेंट करके जरूर बताना। तो यही था आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा आपको ये वीडियो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलो बाय।